खुद से मोबाइल नंबर लिंक कैसे करना है आधार कार्ड के साथ में, या रजिस्टर कैसे करना है आधार कार्ड के साथ में, या आप लोग अपना मोबाइल नंबर के साथ में आप लोग अपना ईमेल आईडी खुद से कैसे लिंक या रजिस्टर कर सकते हैं, आज के दिन इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आईलैंडटेक यूट्यूब चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले तो बता देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने आप से, खुद से कभी भी कोई भी अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ में लिंक नहीं कर सकता है। साथ में ईमेल आईडी भी कोई भी अपने आप से, खुद से रजिस्टर या लिंक नहीं कर सकता है। जिन लोगों को भी आधार कार्ड के अंदर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी लिंक करना है, रजिस्टर करना है, तो उन लोगों को सीएससी सेंटर यानी कि जहाँ पे आधार सेंटर है वहाँ पर जाना होगा, और वहाँ पर आप लोगों को 50 से 100 रुपये लिए जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो लोग आपसे, वो डॉक्यूमेंट आप लोगों को देना होगा, और फिर आप लोगों को अपना आधार कार्ड के अंदर आप लोग अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों चीज़ लिंक या रजिस्टर करा पाएंगे। दोस्तों, तो बात हो गई ये दो चीज़ की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये दो चीज़ आप लोग खुद से कभी भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन बात करते हैं क्या क्या आप लोग खुद से चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग अपना खुद का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और आप लोगों का लैंग्वेज, फैमिली मेम्बर का जितने भी कुछ प्रॉब्लम है, ये दो चीज़ को छोड़ करके आप लोग खुद से चेंज कर पाएंगे। ध्यान रहे कि सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर रजिस्टर रहना चाहिए, लिंक रहना चाहिए। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतने, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए सोच के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।